यस, कवर करते हैं रोलेस थ्योरम। जैसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात आती है तो दो थ्योरम जो होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ 12th पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। थ्योरम सिंपल है, कंसेप्ट भी सिंपल है, पर कई बार कंफ्यूजन होता है या कई बार हमें ऐसा लगता है कि रोलेस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो मैं आपको एक एक करके कवर करवाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोलेस थ्योरम की। रोलेस थ्योरम का क्या मतलब है और रोलेस थ्योरम क्यों पढ़ी जाती है वो समझे हम। जब हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट कर रहे होते हैं, है ना, जब भी हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमम काउंट कर रहे होते हैं तो हम रोलेस थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि किसी भी कर्व में मैक्स या मिनिमा मिलेगा कि नहीं, यानी टर्निंग पॉइंट आएगा कि नहीं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी हम रोलेस थ्योरम के थ्रू ये बात पता कर सकते हैं। तो क्या कंसेप्ट है पहले समझते हैं एक बार थ्योरम को। तो थ्योरम क्या कहती है पहले वो समझ लीजिए अच्छे से। ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, को जब भी आप कोई क्वेश्चन रोलेस थ्योरम से रिलेटेड करेंगे, मान लीजिए 12th बोर्ड में आया तो भी आपको ये लाइन लिखनी होगी, और कॉम्पिटेटिव में आया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट बिफोर अप्लाइंग रोलेस थ्योरम आपको कुछ बातें वेरीफाई करनी होगी। क्या क्या वेरीफाई करनी होगी? नंबर 1 कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं और जो डोमेन आपको दिए उसमें वो डिफाइंड है कि नहीं, यानी ये पहला कंसेप्ट हुआ कि आपको ये देखना है कि एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट। किस तरह से डिफाइंड होना चाहिए कि ये कंटिन्यूस हो इन क्लोज इंटरवल ए बी। मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक सपोज आपको फंक्शन दिया है, ओके, y इक्वल टू एफ एक्स सपोज एक फंक्शन दिया है। अब इस फंक्शन को, और मान लीजिए दिया है x बिलोंग टू ए बी, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये गिवन इंटरवल में कंटिन्यूस है कि नहीं, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। जैसे टेन एक्स है तो पाई बाई टू पे ब्रेक हो जाएगा, 3π/2 पे ब्रेक हो जाएगा, साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूस रहेगा, कॉस एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूस रहेगा, लॉग एक्स अपनी डोमेन में कंटिन्यूस रहेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। तो आपको कुछ बातें चेक करनी है, उसमें 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सबसे पहले वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो। इट इज डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, साथ ही साथ वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल हो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोलेस थ्योरम का कंसेप्ट है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो, तो देन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं किसी भी फंक्शन में तो वहां पर आप श्योरली बोल सकते हैं या रोलेस थ्योरम वहां पर एप्लीकेबल है। और क्या बोलेंगे? देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, राइट। ये बात आपको मैं फिर समझाता हूं और एक बार पूरा अच्छे से समझ लीजिए कि क्या कहना चाहता हूं और क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले कि आपको एक कोई फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब आपने चेक किया x बिलोंग टू ए बी, तो फर्स्ट पॉइंट कि ये कंटिन्यूस हो इन गिवन इंटरवल, डिफरेंशियबल हो, और थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, तो आप बोल सकते हैं कि रोलर थ्योरम एप्लीकेबल है। और यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एफ डैश सी जीरो मिलेगा, यहां पर सी की जो वैल्यू है ए से बड़ी और बी से छोटी होगी, यानी आप यहां बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट मिलेगा। ज्योमेट्रिकली अगर हम समझें तो यहां टर्निंग पॉइंट मिलेगा, यानी मैक्स या मिनिमम मिलेगा। तो जिनमें ये तीन कंडीशन अप्लाई होती हैं उस पर रोलेस थ्योरम अप्लाई होती है, और अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ये तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, और मैं क्वेश्चन दोनों तरीके से करवाऊंगा, एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में उन्हीं को अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो क्या हो सकता है वो बताते हुए चलूंगा। तो एक सेशन में ही ये रोलेस थ्योरम आपकी क्लियर भी हो जाएगी और आपको इसका कंसेप्ट भी बन जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। नंबर 1 कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, यानी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, एक चीज। नंबर 2, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यू होता है।
नंबर टू, जैसे लॉग एक्स की बात करें तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यू है, अगर हम साइन एक्स की बात करें ये कंटिन्यू है, कॉस एक्स की बात करें कंटिन्यू है, बट अगर मैं बात करूं जैसे टेन एक्स की, तो टेन एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू के मल्टीपल पर कंटिन्यू नहीं होता। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। तो जिस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और क्लियर हो जाएगा ये पोर्शन आपको, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द इंडिकेट इंटरवल। अब इन फंक्शन के बारे में आपको ये बताना है कि इस पर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना है आपको, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑन माइनस वन टू प्लस वन, राइट। अब सबसे पहले देखिए मॉड फंक्शन जो होता है एवरीवेयर कंटिन्यू होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसकी कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम इसकी बात करते हैं, यानी ये कंटिन्यूस है माइनस वन से प्लस वन में, बट जीरो पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जीरो प्लस एच पर ये एक्स मिलता है, और जीरो माइनस एच पर जब आप लेते हैं तो इसकी डिफरेंशिबिलिटी नहीं मिलती, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो आप बोलोगे रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, राइट। समझ लीजिए अच्छे से, तो ये बात आपको क्लियर है, एक बार फिर बता रहा हूं। और कभी भी देखिए यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप ये स्टेटमेंट लिख के छोड़ेंगे, पहला स्टेटमेंट कि कंटिन्यूस आपको भी पता है, ग्राफिकली भी समझें, तो मॉड एक्स जो है वो कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ कहीं नहीं टूटता, पर ठीक जीरो पे जाके ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जब कभी ट्वेल्थ का पेपर में आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको वहां पे वेरीफाई भी करवाना होगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। पर अगर आप यही ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो आपको दिख गया है कि मॉड फंक्शन जो है वो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप फट से लिख देंगे रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कहां पर आया है, किस तरह का क्वेश्चन है, और अगर मान लीजिए ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपको ये दिया हुआ है x बिलोंग टू माइनस वन से प्लस वन, और फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x, है ना। क्या करेंगे कंटिन्यूटी के लिए, सिंपल जीरो प्लस एच लेंगे, एक बार लेंगे जीरो माइनस एच, पर एच मिलेगा और एच की जगह जीरो रख दोगे तो आपको दिख रहा है कि एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू एफ जीरो माइनस एच, यानी कंटिन्यूटी तो है, पर अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना होगा, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखो क्या करना होगा। अगर ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी फिर आप करिएगा। अगर यही चीज हम समझें कि अगर मान लो इसमें मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती तो मैं एक ये लिमिट हो गई और एफ जीरो पी निकाल लेता तो जीरो होता, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, जब आप ये रखते तो h अपॉन माइनस एच ये मिलता माइनस वन, और जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव लेते तो आप लिखते लिमिट s टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन h, तो h माइनस जीरो अपॉन h दिस इज वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी नॉट एप्लीकेबल रोलेस थ्योरम। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी रोलेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, रिमेंबर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कंटिन्यूटी चेक करना है, सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, फिर थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी, जैसे इसमें हमें थर्ड स्टेटमेंट चेक ही नहीं करना पड़ा क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। तो ये ध्यान रखना, बाकी इसमें आप निकालते तो ये जरूर है एफ माइनस वन वन होता, कई बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं प्लस वन होता, दोनों इक्वल है, पर ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो साथ में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है देखिए। क्या क्वेश्चन है देखिए, दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू थ्री प्लस एक्स माइनस टू की पावर टू बाय थ्री,
1, 2, 3 के अंदर आपको ये बताना है। अब हमें फिर वही काम करना है कि हमें ये चेक करना होगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और फिर लेफ्ट और राइट लिमिट को चेक करना होगा। तो ये चेक करे बिना आपने कभी भी बताया, अब ये 12th में आए तो आपको वेरीफाई करके बताना होगा, और ऑब्जेक्टिव में आए तो आप बस ये देख लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक से समझ में जाएगा। जैसे यहां पर 1, 2, 3 दिया है, अब क्योंकि ये आपको एक चीज दिख रही है कि पावर में 2/3 और इसका ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, तो मैं 2 पर ही चेक कर लूं, कंटिन्यूटी तो दिख रही है। अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी को देखूं तो F2 देखूं तो क्या होगा, ठीक, सॉरी, F2 पर अगर निकालने की कोशिश करेंगे आप, एक बार ले लीजिएगा 2+H, तो जब 2+H लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3+2+H -2 की पावर 2/3, यानी 3+H की पावर 2/3। ओके, जब आप माइनस लेंगे यानी F2 - H, तो 3+2 - H -2 की होल पावर 2/3, यानी 3+ - H की पावर 2/3, या आप ऐसा भी बोल सकते हो 3+H की पावर 2/3, क्योंकि इसको ऐसा लिखोगे माइनस एच का स्क्वायर होल पावर 1/3 एंड दिस इज एच पावर 2/3। अब अगर कंटिन्यूटी के टर्म में देखें तो आप एच के प्लेस पे जीरो रख दें, बस ये ट्रिक्स होती है, तो आपने जैसे ही जीरो रखा तो आपको 3 और 3 मिला, तो आप बोल सकते हैं कंटिन्यूस है। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की। ओके, अब जैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी पे आओगे तो एक चीज और लगेगी, F2 रख दिया तो आपको मिल गया 3। ओके, अब क्या करना है आपको, अब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। तो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये 3+H की पावर 2/3 -3/-H। ओके, इसको आपने एच चेंज टू हमेशा जीरो ही होगा, तो इसको आपने सॉल्व किया तो H की पावर 2/3 - H मिला। एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं, मैं लिमिट नहीं लिखता, आप लिमिट भी लिख लिया करिए चाहो तो। ओके, अब ये एक तरह से ऐसा मिलेगा -1/H की पावर 1/3, है ना, 1 - 2/3 इक्वल टू दिस, एच की जगह जीरो रख दोगे तो एक तरह से मिल गया -∞। राइट हैंड डेरिवेटिव पे जाओगे तो ये मिलेगा 3+H की पावर 2/3 -3/H, यानी H की पावर 2/3/H, यानी एक तरह से 1/H की पावर 1/3 +∞। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए आप बोलोगे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमें थर्ड कंडीशन को चेक भी नहीं करना है, सीधा हम बोल देंगे कि रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, यानी यहां पर रोलेस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए, तो क्लियर होगा इसमें आपको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि अगर ये पूरी स्टेप्स आपको सब्जेक्टिव के हिसाब से करनी है, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप डायरेक्टली भी इसको डिफरेंशिएट करके देखो। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे 2/3 x - 2 की पावर -1/3, यानी 2/3 x - 2 की पावर 1/3, 2 रखोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार सीधा सीधे डिफरेंशिएशन से भी आप बहुत इजीली बता सकते हैं। ओके, तो अब देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कब किस तरह से पूछा गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अब मैंने जैसे आपको बताया था ये 10x, ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ऑन 0 to π। अब 10x के बारे में तो आपको पता है ये π/2 पे कंटिन्यूस ही नहीं है, π/2 पे ही ब्रेक हो जाता है ना, π/2 पे ये ब्रेक हो जाता है, तो अगर ये π/2 पे ब्रेक हो जाता है तो कंटिन्यूस नहीं है, तो इसमें डिफरेंशिएबिलिटी की भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन कंसेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से ले रहा हूं मैं आपको, तो आपको सब समझ में आता जाएगा। तो π/2 के बाद ये फिर से ब्रेक हो जाता है और इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी है, और डिफरेंशिएबिलिटी के अलावा ना f = f भी, तो आप यहां लिखोगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, देयरफॉर रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो ये तीनों क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट के हिसाब से बनाए हुए थे कि आप इससे समझ पाए कि एकदम से आप ऐसा ना करें कि f = f भी देख के और बोल दें कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। नो,
फर्स्ट पॉइंट कंटिन्यूसी कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल, फिर चेक करना है एफ ए इक्वल टू। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, यानी इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता है या नहीं। ओके देखिए क्या क्वेश्चन है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम ऑफ द ऑन द फंक्शन। अब अगेन इसमें दो अलग अलग फंक्शन है, आपको सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो थोड़े से लॉजिक से भी देख सकते हो। अब जैसे वन पे ब्रेक हो रहा है तो आपको वन पे सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी देखनी चाहिए, तो कैसे देखोगे, मेंटली देख सकते हो। जैसे अगर मैं वन रख दूं तो यहां मिलेगा टू, ये भी टू, तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। बट अगर मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करूं तो देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा टू एक्स, इसका माइनस वन। जब आप यहां पर वन रखोगे तो टू मिलेगा और ये माइनस वन, यानी ये डिफरेंशियबल नहीं है, तो इसका मतलब रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर? कितना सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, ये कॉम्पिटेटिव तरीका हुआ। अगर यही चीज सब्जेक्टिव में आए तो आप ऐसे करोगे, सबसे पहले तो एफ वन, वन यहीं पे रख सकते हो, इक्वल टू लगा तो वन प्लस वन कितना टू, फिर आपने लिया वन प्लस एच, वन प्लस एच के लिए ये होगा यानी टू माइनस एच, फिर लिया वन माइनस एच, ये होगा वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस ऑफ वन। सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा 2 माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर। अब कंटिन्यूटी में बेटा इतना सा ध्यान रखना है कि h के प्लेस पे अगर मैं जीरो रख दूं तो 2 2 2 तो यानी कंटिन्यूस है, या ऐसे भी बोल सकते हैं f 1 प्लस h इक्वल टू f 1 माइनस h। पर जैसे ही डिफरेंशियबिलिटी पे जाएं तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी ये लिखोगे 2 माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस टू अपॉन माइनस एच। सॉल्व किया तो आपको ये कितना मिल गया बेटा, ये कैंसिल, ये मिल गया माइनस टू, ठीक, ये मिल गया एक तरह से, एक मिनट, माइनस टू नहीं, ये मिल गया ऐसा है, तो ये सॉल्व किया आपने तो ऐसा मिलेगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, एच माइनस, सॉरी 2 माइनस एच, और एच की अगर जीरो रख दिया तो ये मिल गया 2। फिर लिया राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 दिस 1, तो 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन प्लस का एच, तो ये मिला माइनस का 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए रोलेस थ्योरम Not applicable. Okay? Note कर लीजिए। Yes, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। Verify Rolle's theorem for the function fx equal to x square minus 5x plus 6 on the interval 2, 3। मतलब आपको ये verify करना है Rolle's theorem इसके लिए। अब सबसे पहले अगर देखें, अभी हमने जो क्वेश्चन लिए थे उन दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंट वो डिफरेंशियबल नहीं था। अब जैसे यहां पर हम देखें तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आप नोट डालेंगे एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूस, डिफरेंशियबल भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों है यहां पर, यानी कंटिन्यूस भी है और ये डिफरेंशियबल भी है, ऐसा नोट डाल के लिख देंगे। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हो। अब बात आती है कि एफ टू कितना होगा, तो टू रखा आपने, तो एफ टू रखा तो 4 माइनस 10 प्लस 6 जीरो, एफ थ्री रखा तो कितना 9 माइनस 15 प्लस 6 जीरो, यानी एफ टू किसके इक्वल है बेटा, एफ थ्री के। अब इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी डिफरेंस कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियबल भी है और एफ ए इक्वल टू एफ भी है। मतलब आप इसमें बिल्कुल श्योरली बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा, जो वैसे भी दिख रहा है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है पर पैराबोलिक कर्व एक तरह से, एटलीस्ट एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा, यानी यहां पर आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, मतलब मैक्सिमा मिनिमम मिलेगा। तो रोलेस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम इसीलिए ली जाती हैं। तो अब आपने इसको क्या करा, कैसे पता चलेगा, तो एफ डैश एक्स निकाला, 2x माइनस 5, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 5 बाय 2 बिलोंग टू 2 टू 3। रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल भी है और
जो क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे सी लिखते हैं बुक में, कुछ बुक में एक्स नॉट लिखते हैं, वो 5/2 है जो 2 से 3 के बीच में बिलोंग करता है। यानी ये कंटिन्यूस था क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशियबल था ओपन इंटरवल में, और एफ ए इक्वल टू एफ बी था। तो हम बोल सकते हैं रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, और मैं बिल्कुल श्योरली बोल सकता हूं कि एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन 2 एंड 3 लाए करेगा। ये रोलेस थ्योरम का बेनिफिट था। यानी किसी फंक्शन को आपको देख के पता करना हो कि इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा कि नहीं, तो या तो रोलेस थ्योरम से, क्योंकि आगे जाके मीन वैल्यू थ्योरम पढ़नी है। रोलेस थ्योरम का एक ड्रॉबैक था कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो ही एप्लीकेबल होती है, पर ऐसा भी देखा गया जिसमें ये इक्वल नहीं है उनमें भी टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं, तो उसके लिए एडवांस लैग्रांजियस या मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे। पर रोलेस थ्योरम में ये चीजें चेक करके आप वेरीफाई करोगे, तो यहां पर हो रही है तो आप बोलोगे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, यानी वेरीफाई हो रही है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो सी पूछ सकते हैं एक्स नॉट, तो आप लिखेंगे 5/2 बिलोंग टू 2, 3 और रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल। राइट, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर 0 to 3। देन अगेन अगर ध्यान दें तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 9, एक तरह से ऐसी इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 6x² + 9x। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो पॉलिनोमियल इक्वेशन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, यानी फर्स्ट पॉइंट कंटिन्यूटी है 0 से 3 में, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज डिफरेंशियबल, तो डिफरेंशियबिलिटी है ओपन इंटरवल में। अब बात आती है कि एफ ए एफ बी के इक्वल है नहीं, कि है नहीं, तो एफ 0 रखा तो 0 मिला, डायरेक्ट रख लो इसी में, 3 रखा तो 3 0 मिला, यानी एफ 0 इक्वल टू एफ 3। तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो आप बिल्कुल श्योरली बोल सकते हो कि इस पर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। अब अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन 0 एंड 3 डेफिनेटली मिलेगा, बाकी डिग्री 3 है, 2 टर्निंग्स भी हो सकते हैं, है ना, 2 टर्निंग्स भी हो सकते हैं। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x² - 12x + 9, 3 कॉमन ले लिया तो x² - 4x + 3, इसके फैक्टर बन गया x - 1 और x - 3। राइट, अब इसको 0 से इक्वेट किया तो 0 से इक्वेट किया तो x = 1 और x = 3, तो हम बोलेंगे x = 1 belong to 0 to 3, यानी ये पॉइंट होगा क्रिटिकल, ये वाले को हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी ये भी टर्निंग है, इस पर भी मैक्सिमम मिनिमा मिला है, पर अभी हम रोलेस थ्योरम के हिसाब से चलेंगे तो हमें केवल 0 से 3 में देखना है, तो एक टर्निंग पॉइंट 1 पर आपको मिलेगा, मींस रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² + 11x - 6 ऑन द इंटरवल 1, 3। यानी आपको यह वेरीफाई करना है कि रोलेस थ्योरम इस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो आप सबसे पहले, तो जैसे ही आपने देखा एफ एक्स इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है वो कंटिन्यू होती है, तो कंटिन्यूस है 1 से 3 में, है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन डिफरेंशिएबल भी होती है, बिना चेक करे बोल सकते हो आप 1 to 3 में। इसका मतलब आप अब ये चेक करो कि एफ 1 कितना है, तो 1 - 6 + 11 - 6 0। एफ 3 कितना है ये चेक किया, तो 27 - 9 - 9 = 54 + 33 - 6 = 60 - 60 = 0। यानी थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है, यानी एफ 1 किसके इक्वल है बेटा, एफ 3 के। यहां पर आप श्योरली बोल सकते हो कि एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये टर्न हो रहा होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन 1 एंड 3, ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि थर्ड डिग्री की इक्वेशन है तो नॉर्मली 2 पॉइंट्स मिलते हैं, पर अब वो 2 पॉइंट रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। बाकी आगे जब आप मीन वैल्यू थ्योरम में यही प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और एडवांस स्टेप, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा 3x² - 12x + 11। मैंने 1 पुट किया, ओ सॉरी 1 0 से इक्वेट किया, तो 3x² - 12x + 11 = 0,
फैक्टर होगा 33, 3 × 11, राइट। अब आपने इसको फैक्टर बनेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले मेथड से कर लेते हैं। तो फॉर्मूले मेथड से क्या, तो 12 प्लस माइनस 144 माइनस 132 बाय 2 × 3, यानी एक तरह से 12 प्लस माइनस, ये √12 मिला तो 2√3 बाय 6, ऐसा भी लिख सकते हो। 2 प्लस माइनस, ये डिवाइड हो गया, 2 प्लस माइनस 1/√3, यस और नो? क्योंकि 2/6 ऐसा लिखोगे बेटा आप, तो ये 3 टाइम और वो 1/, अब 2 प्लस माइनस 1/√3 दोनों ही अगर आप देखें तो 2 प्लस 1/√3 3 से कम होगा, 2 माइनस 1/√3 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी दोनों ही दो के रूट जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। यानी एक्स की एक वैल्यू हो गई 2 प्लस 1/√3 और एक हो गई 2 माइनस 1/√3, और ये दोनों बिलोंग टू 1 2 3। पहली चीज, इसका मतलब रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है और आपको रोलेस थ्योरम के अंदर 1 2 3 में 2 टर्निंग पॉइंट्स यहां पर मिल रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √4 − x² ऑन −2 2 + 2। ओके, देखिए रूट एक्स अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो एक्स की वैल्यू 0 के बाद होनी चाहिए, 0 to infinite, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस भी होता है और इस दौरान ये डिफरेंशियबल भी होता है। अब क्योंकि ये 4 − x² है तो 4 − x² की अगर हम अलग से डोमेन समझें, है ना, बाकी आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसके अलग से डोमेन के बारे में बात करूं तो ये x² − 4 < =0, यानी x − 2 x + 2, यानी ये केवल −2 से + 2 में डिफाइंड है और वही इंटरवल दिया है। इसका मतलब आप बोलेंगे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल, यानी ये कंटिन्यूस भी है, पहला पॉइंट ये कंटिन्यूस है किसमें, −2 से + 2 में, और दूसरा पॉइंट ये डिफरेंशिएबल भी है किसमें, ओपन इंटरवल में। अब बात आती है अगर मैं इसमें −2 पुट करूं तो भी 0 है और +2 पुट करूं तो भी 0 है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है। अब थर्ड कंडीशन भी अगर वेरीफाई हो रही है तो इसका सेंस ये निकलता है कि रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल है, और अगर रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल है तो डिफरेंशिएट करिए। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/√ का क्या होगा, 1/2√, तो 4 − x² − 2x। जैसे ही 0 से इक्वेट किया तो आपको x की वैल्यू 0 ही मिली और 0 बिलोंग टू −2 2 2, यानी आप बोलेंगे फंक्शन इज सॉरी रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल, और क्या वैल्यू है उसकी, 0, जो कि −2 से + 2 के बीच में है, राइट। नोट कर लीजिए, देखिए क्या है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log x² + ab अपॉन x into a + b ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, है ना, वेयर ए एंड बी इज बोथ ग्रेटर देन 0, यानी ए 0 से बड़ा है और बी जो है वो ए से बड़ा है। क्वेश्चन काफी अच्छा है और सिंपल समझ तरीके से समझिए। सबसे पहले अगर हम चाहें तो इसको ब्रेक करके ऐसा भी लिख सकते हैं, log x² + ab माइनस log x into a + b। इसको भी ब्रेक करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, log x² + ab माइनस ऑफ log x − log a + b, राइट। अब ये पूरा फंक्शन डिफाइंड है, देखिए आपको ये पता है कि जो ए है वो 0 से बड़ा है, बी जो है वो ए से बड़ा है, इसका मतलब अगर हम इसको लॉजिकली समझे तो ऐसा बोल सकते हैं 1 2 4 या कुछ भी। तो ये तो डिफाइंड हो गया क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही, साथ में ये भी पॉजिटिव है, ये भी डिफाइंड है, ये तो a + b है पर ये भी डिफाइंड है क्योंकि 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब लॉग फंक्शन अगर डिफाइंड होता है तो वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कंटिन्यूस इन a to b, और सेकंड लिखोगे डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। अब आप यहां पर बिल्कुल श्योरली बोल सकते हो, पहले चेक कर लीजिए एफ ए कितना है, चाहे तो एफ ए ऊपर में भी रख सकते हैं। तो अगर मैं ए रख दूं
तो क्या होगा बेटा, ए रखूंगा तो ये ऐसा मिलेगा, ऊपर में ही देखो आप, ए स्क्वेयर प्लस ए बी, और नीचे भी ए स्क्वेयर प्लस ए बी, यानी लॉग वन जीरो। अगर मैं बी रख दूं तो बी स्क्वेयर, तो ये भी कितना मिलेगा, ऐसा मिलता बी स्क्वेयर प्लस ए बी, बी स्क्वेयर प्लस ए बी, इसमें से ये भी वन मिलता और लॉग वन होता जीरो, यानी थर्ड पॉइंट भी वेरीफाई हो रहा है। अब अगर ये हो रहा है, इसका मतलब हम तीन कंडीशन के बाद 100% श्योरली बोल सकते हैं कि यहां पर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, और एटलीस्ट वन पॉइंट लाई बिटवीन ए एंड बी, जहां पर मैक्स या मिनिमा मिलेगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए एफ ए इक्वल टू एफ बी, तीनों कंडीशन हो रही है वेरीफाई। तो जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस वन बाय एक्स, वो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसको जीरो से इक्वेट किया आपने, तो जैसे ही जीरो से इक्वेट करेंगे, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, तो जैसे ही जीरो से इक्वेट करेंगे तो ऐसा आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो, या ऐसा भी बोल सकते हैं 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, या ऐसा बोल सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एक्स इक्वल टू रूट ए बी, ये मिल गया पॉइंट, और रूट ए बी जो है वो ए और बी के बीच में ही होगा। आप लॉजिक से सोच लो, अगर मान लो ए की वैल्यू 1 और बी की 4 हुई, तो 1 इंटू 4 2, 2 बिलोंग टू 1 4, तो जो भी होगा ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया कि ये ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इज दैट क्लियर? तो एक तो ये क्लियर है कि हमें रूट्स मिल गया, दूसरा हम यहां पर श्योरली बोल सकते हैं कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि थ्योरम भी समझ में आ जाएगी, क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे एग्जाम्स में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो आप या चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो। नोट कर लीजिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो गए। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द इंडिकेट इंटरवल। देखिए पहले तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स, फिर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स। ओके, अब थोड़ा सा इन क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर वन को आपको बोला है एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और क्या दिया है, एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई। अब सबसे पहले साइन फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम खत्म। साइन फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, तो वो भी खत्म। अब थर्ड देखना है एफ जीरो एफ पाई के इक्वल भी है, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो, साइन पाई भी पाई। अब आप यहां पर श्योर हो गए कि एटलीस्ट वन पॉइंट एक लाया करेगा जो कि जीरो से पाई के बीच में होगा, जहां पर मैक्स या मिनिमा मिलेगा। इस मीन्स कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो सिंपल टू साइन एक्स कॉस एक्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं साइन टू एक्स। अब जीरो से इक्वेट किया तो साइन टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू आप या तो बोल सकते हैं जीरो या बोल सकते हो पाई, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू बिलोंग टू जीरो टू पाई। तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल भी है, और रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग टर्निंग पॉइंट हम बोल सकते हैं पाई बाई टू होगा। राइट, नोट करो क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन ऑन ऑन जीरो टू पाई बाई टू। देन अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं, तो सीधा थर्ड रख लो आप, वो ध्यान रखना। तो एफ जीरो रखा तो जीरो प्लस वन माइनस वन, ये जीरो, पाई बाई टू रखा, पाई बाई टू रखा तो वन प्लस जीरो माइनस वन, दिस इज जीरो, यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है। तो रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए। तो एफ डैश एक्स करा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो से इक्वेट किया तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, यानी टेन एक्स इक्वल टू वन, यानी एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, दिस इज बिलोंग टू जीरो टू पाई बाई टू। तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल भी है, और जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको पाई बाय
फोर मिलेगा, राइट right? फिर देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको भी देखते हैं। देखिए क्या बोला है इसमें, बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स ऑन 0 to π। ओके, आपने एफ डैश एक्स करा तो कॉस एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस टू एक्स। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियबल भी है, और क्योंकि अगर एफ जीरो रखते तो जीरो मिलता, एफ पाई रखते तो भी जीरो मिलता, तो सारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अब आपने इसको जीरो से इक्वेट किया तो कॉस एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, या ऐसा भी बोल सकते हो कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हो आप चाहो तो, क्या लिख सकते हो बताओ, टू कॉस टू एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। ओपन करिए, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब आपको फैक्टर बनाने हैं कि माइनस एट आ जाए, है ना, अब आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस एट आ जाए, क्योंकि आपके पास इसको ब्रेक करना है, तो टू इंटू इसको लिखा आपने, तो ये हो गया फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का टू और माइनस का कॉस एक्स। अब देखिए इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं क्योंकि माइनस एट लाना है, तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले मेथड से करिए। तो आप लिखोगे कॉस एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी वन प्लस 32 यानी रूट 33 बाय 8। अब थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी होगी, ये तो हम श्योर हो गए कि एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या होगा देखिए, जब आप एक बार लेंगे प्लस साइन तो आपको मिलेगा 1 प्लस रूट 33 बाय 8, और एक बार माइनस लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस रूट 33 बाय 8। अब रूट 25 की वैल्यू होती है 5, रूट 36 की वैल्यू होती है 6, तो रूट 33 की हम बोल सकते हैं 5.6 बोल दो अप्रोक्सीमेट। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5.6 मान भी लूं तो 1 प्लस 5.6 बाय 8 यानी ये एक तरह से मिला 6.6 बाय 8, है ना, और ऐसा ही ये मिला 1 माइनस 5.6 बाय 8 यानी निगेटिव मिला, माइनस कितना 4.6 बाय 8। इसका मतलब ये जो एंगल है ये करीब 6.67 यानी लगभग 30 डिग्री के आसपास हो सकता है, और ये क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा होगा और ये माइनस पॉइंट है, मतलब 130 डिग्री के आसपास हो सकता है। भाई इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो चलेगा, ये जो है आप इसको ऐसा लिख दें कॉस इनवर्स 6.6 बाय 8 एंड कॉस इनवर्स माइनस 4.6 बाय 8, ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं जीरो से पाई के बीच में, क्योंकि अगर आपको एंगल एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप अप्रोक्सीमेट बस वन से कम होना चाहिए था, तो ये भी वन से कम है, ये भी वन से कम है, यानी आपको ये चेक करना था कि माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही आए, वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, देखिए क्या क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ऑन 1, 3, रोलेस थ्योरम होल्ड विथ सी इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी, बड़ा सिंपल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो कंटिन्यूस होनी ही है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिफरेंशियबल भी है। अब एफ वन एफ थ्री इक्वल टू जीरो यानी रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, बाकी तो इसको बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हो आप। कैसे, देखिए आपको ये तो पता ही कि एफ वन कितना होगा, वन रख दो इसमें तो 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस बी यानी ए प्लस बी इक्वल टू 5, ऐसा बोल सकते हो ना, ए प्लस बी इक्वल टू 5। ऐसे ही 3 रख दीजिए क्योंकि 0 दिया था हमको, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 रखा तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 ये 54 प्लस 3 ए प्लस बी दिस इज ऑल्सो 0, तो 3 ए प्लस बी इक्वल टू 27, ये आ गया 3a प्लस b इक्वल टू 27। बस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस 2a हो गया, ये कितना हो गया माइनस 22, तो a आ गया 11, a 11 आ गया। ऐसे ही a की वैल्यू यहां रख दीजिए तो b माइनस का 6 आ गया, राइट। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व
किया जा सकता था। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।